नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने शहर के 3 सरकारी अस्पतालों लोकनायक JTB और राजीव गांधी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के मामलों के लिए समर्पित केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने यह भी वादा किया है कि सरकार बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और जन जागरूकता अभियान पर निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के बाद ट्वीट किया, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हमें ब्लैक फंगस के मामलों को रोकना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे संक्रमित लोगों को इलाज मिले। हमने ब्लैक फंगस के प्रसार और उपचार को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की राजधानी में अब तक 185 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस ज्यादातर अनियंत्रित डायबिटीज वाले लोगों में पाया गया है। यह अब उन लोगों में पाया जा रहा है जिन्होंने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के दौरान अत्यधिक स्टेरॉयड या प्रतिरक्षा मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स जैसे टोसिलिज़ुमैब लिया हो। डॉक्टर के अनुसार यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ब्लैक फंगस संक्रमित लोगों में से 80% तक को मार सकता है। यदि इसका जल्दी पता नहीं लगाया जाता तो यह आँख और मुँह को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपनी दृष्टि या जबड़ा खो देते हैं। जानलेवा बीमारी के मामलों में वृद्धि संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीफंगल दवाओं की कमी को जन्म दिया है। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली और केंद्र सरकारों को संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीफंगल द्वारा एम्फोटेरिसिन बी की कमी को हल करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।